हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से। आज है नवरात्रि, तो सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय डियर फ्रेंड एंड फैमिली। आप सबके जीवन में माता रानी खुशियाँ दे, मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो और बिंदास रहो, स्वस्थ रहो। तो मेरा कुछ तैयारी ये रात का ही मैं कर ली थी, बर्तन वगैरह धो ली थी, फल वगैरह जो भी लगने थे सब साफ़ सुथरा करके चौकी भी बिछा ली थी, पूजा के सामान जो भी पूजा में लगना था वो मैं रात में ही एक प्लेट में अच्छे से निकाल के रख ली थी, ताकि सुबह में ज़्यादा टाइम ना लगे और इजीली मैं पूजा कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी होके साड़ी पहन के यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे कुछ और भी काम थे जो कि करने थे। यहाँ पे मैं कलश में स्वास्तिक बना के और पीला कपड़ा लपेट के, पीला चुंडी लपेट रही हूँ और उसको फिर कलावा से बांध दूँगी। और बहुत सारे काम मैं यहाँ पे कर भी ली हूँ, दिया वगैरह लगा दी हूँ, अष्ट कमल बनाई हूँ दिया के नीचे और चावल से वो बना के दिया ऊपर रख दी हूँ। बहुत सारे यहाँ पे चावल वगैरह निकाल के प्लेट में रख दी हूँ कलश के ऊपर रखने के लिए। कलश में डालने के लिए भी क्या क्या डाला जाता है उसको एक प्लेट में निकाल के रख दी हूँ, ताकि पूजा करने में ईजी हो सके और आसानी से पूजा हो जाए। मैं नवरात्रि पूजा में अखंड ज्योत जलाती हूँ और जौ भी बोती हूँ, जौ ज्वारे जो भी बोलते हो आप लोग, हम लोग के यहाँ ज्वारे बोला जाता है, ज्वारे बोना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कसैली से गणपति जी को विराजमान की हूँ चावल के ऊपर, तो क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले गणपति का पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे मैं गणपति जी को विराजमान कर दी हूँ और दुर्गा माता को वहाँ पर रख दी हूँ चुन्नी वगैरह अच्छे से पहना के। एंड कुछ और भी तैयारी थी, दिया वगैरह लगाने थे वो मैं पहले कर लूँगी, और फिर नवग्रह भी बनाई हूँ। और भी पिछले साल तो पंडित जी को बुला के पूजा करवाई थी मैं नवरात्र का, लेकिन इस बार मैं खुद ही कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों खुद ही पूजा कर रहे हैं नवरात्र का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नवग्रह बना रही हूँ। तो मेरी पूजा तो इसी तरीके से होती है, आप लोग किस तरीके से नवरात्र पूजा करते हो ये मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। एंड यहाँ पे अब मैं कलश में स्वास्तिक वगैरह बना ली हूँ और यहाँ पे कलावा लपेट रही हूँ, और श्रेयान से देखिए वो बता रही है कि मम्मा ये बनाई है, और पत्ते में टीका वगैरह मैं लगा दी थी ताकि इजी हो सके और वो सूख भी गए। आज मैं 3:30 बजे मॉर्निंग में ही उठी हूँ और करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, और 4:30 बजे श्रेयान से भी उठ गई थी। और यहाँ पे मैं पचमेवा निकाल रही हूँ भोग के लिए, इलायची दाना और मिश्री वगैरह और लौंग और बतासे वगैरह यहाँ पे मैं निकाल लूँगी, ताकि भोग निकालने में, भोग लगाने में मुझे इजी हो सके। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं पान के पत्ता, दूध वगैरह, दही वगैरह जो भी लाने थे, फूल माला वगैरह, तो इस टाइम वो लाने गए हुए। जब ले कर आएँगे तो मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पर श्रेयांसी देख सकते हो किस तरीके से वो अपना ड्रेस दिखाने का कोशिश कर रही है, और ना दो कि वो भी रेडी हो गई आज मॉर्निंग में, ना ही कुछ बोल भी रही है कि हेलो गाइस मेरी मम्मा ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे करके वो भी कुछ बता रही थी। एंड यहाँ पे मैं भोग निकाल लूँगी, तो वीडियो में देखते रहिए, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए।
तो यहाँ पे सारी तैयारी मेरा पूजा की हो चुकी है, बस मेरे हस्बैंड को आना बाकी है। वो आएंगे फूलमाला लेके तो हम लोग पूजा करने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का अभी मैंने कर रखा है सारा, मतलब व्यवस्थित रूप से मैं कर ली हूँ ताकि पूजा इजली हो पाए। तो आज का मेरा लुक कुछ इस तरीके का है। मैं पहनी हूँ साड़ी, जैसे कि आगे वीडियो में भी आपने देखा, तो मैंने सोचा फुल लुक मैं आपको दिखा दूँ। और उधर भी श्रेयांशी कुछ कर रही है अपने काम में, वो मस्त है। और अभी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगा क्योंकि एक तो फास्टिंग है मेरा और अभी बहुत तेज़ से बारिश यहाँ पे हो रही है जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं माता रानी की चौकी को रेडी कर ली हूँ, बस पूजा करना बाकी है। और ज़्यादा पूजा का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, जो भी है आप इस वीडियो में देख सकते हो। और डिटेल में तो मैं नहीं कर पाई हूँ कि किस तरीके से मैं पूरा पूजा विधि मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन नॉर्मल आपको देखने को मिल पाएगा। अभी मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब हो रहे हैं तो पहले तो कलश स्थापना ही होगा, उसके बाद सारे पूजा की शुरुआत होगी। तो पहले यहाँ पे जौ बोलेंगे, कलश स्थापना कर लेंगे एंड उसके बाद गणेश जी का पूजा करना है, फिर नवग्रह और दीप का पूजा करना है, अखंड दीप ज्योत जला के और उनकी पूजा करना है, फिर माता रानी का श्रृंगार वगैरह जो भी है अपना मैं करूँगी पूजा, वो इस वीडियो में आप देखने को मिलेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे श्रेयांशी भोग भी जो प्रसाद चढ़ाई थी वो खा रही है और यहाँ पे सारे पूजा मेरे जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबको अच्छी तरह से पूजा कंप्लीट हो गया और मैं और श्रेयांशी यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोची कि अपना भी थोड़ा सा वीडियो बना लूँ यहाँ पे। तो अच्छी तरीके से पूजा कंप्लीट हो गई है। ये एक दिन के लिए, दो तीन दिन पहले से मैं तैयारी कर रही थी नवरात्र का, ताकि अच्छे से पूजा हो जाए और फाइनली जब कंप्लीट हो जाता तो एक सुकून सा मिलता है कि चलो अच्छे से तैयारी मेरी हो गई, पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गई। वो सारा कुछ अकेले करना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा होता है कि अच्छे से कर पाऊँ या कर लूँ, सही समय पे कर लूँ, बस यही होता है। और सुबह का टाइम जो मुहूर्त था ना वो अच्छा वाला था, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही पूजा कर ली हूँ। और लगभग 8-9 बजते मेरे पूजा और पाठ भी कम्प्लीट हो गए थे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।